last story we have completed yesterday, chapter number 5. Chapter number 5. And what is the name of this chapter? Tenali. Sorry. Clever Tenali. Clever Tenali. Clever means I told you chalak. Wise. Yesterday we read that there was in Vijayanagar rovers reached. Rovers pahunch gaye the Vijayanagar mein, and when the Kotwal of the Vijayanagar heard about this, then he thought to take help of Tenali because he was a wise man. तेनाली जो है वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी होता है, तो कोतवाल सोचता है कि मुझे उसकी हेल्प लेने नहीं चाहिए. तो वो तेनाली राम को बुलाते हैं एंड तेनाली एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट. तो वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है एंड रिटर्न्स एट होम एंड सेज टू द हिज वाइफ दैट स्प्रेड दिस न्यूज इन द टाउन दैट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ. मतलब हमारे पास बहुत सारा धन और पैसा है. ये बात आप जितनी तुम फैला सकती हो ना अपने टाउन में, अपने किंगडम में फैला दो. देन सून जल्द ही ये सारी बात, ये जो अफवाह है, ये जो है बात थी कि पैसे वाले के तेनालीराम के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये पूरे टाउन में फैल जाते हैं. इवन द रोबर्स जो बाहर से आ रहे थे उनको भी ये बात पता चलती कि यहाँ जो तेनालीराम नाम का कोई भी आदमी है उसके पास बहुत पैसा है. देन दे मेड अ प्लान. तो रोबर्स जो होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि हम उसके घर में चोरी करेंगे. बट बिफोर इट तेनालीराम वॉज टू वाइस पर्सन, वो बहुत चालू होता है. तो उनको दिखाने के मतलब द रोबर्स लीव वन पर्सन दिया. उन्होंने अपने एक बंदे को, अपने एक मेंबर को वहाँ पे जासूसी के लिए छोड़ दिया. कहाँ पे? तेनालीराम के घर पे. एंड देन तेनाली कम्स टू नो अबाउट दिस. जब उसे पता चलता है कि हाँ रोबर्स का कोई एक आदमी यहाँ पे जासूसी कर रहा है, तो उसको जानबूझकर उसको सुनाते हुए वो अपनी वाइफ के साथ एक प्लान बनाता है कि क्यों वो लोग क्या करते हैं, एक वुडन बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्टोन पत्थर रख देते हैं और उसको कुएं में डालने जाते हैं. तो वहाँ डालने से पहले वो आपस में बातें करते हैं ताकि वो बातें जो रोबर है वो सुन सके. तो वो बोलते हैं कि हमारे पास जितना भी धन और पैसा है ना, एक काम करते हैं हम इसको लॉक करके और वैल में अपने कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि अभी जो रोबर्स आए हुए हैं वो चोरी कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन कुएं में डाल देंगे तो कुएं से तो वो चोरी नहीं कर सकते, तो अपना धन वो सेफ रहेगा. तो अपन इसको उसमें कुएं में डाल देते हैं. और ये बात जो उनका एक जासूस होता है रॉबर्स का वो सुन लेता है, तो वो भाग करके अपने गैंग के पास जाता है. उन लोगों को बताता है कि मुझे पता है तेनाली का जो पूरा धन है, दौलत है, वो कहाँ है. तो वो सारे लोग वहाँ पे आते हैं रात को और दे आर मेकिंग अ प्लान. तो वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि द वुडन जो बॉक्स है पैसे वाला वो बहुत हैवी था दिखने में. तो वो ओबियसली कुएं के सबसे नीचे वाले पार्ट में, बॉटम में मिलेगा, तल में मिलेगा, और उसी के ऊपर क्या मिलेगा, अपने को पानी. तो हमें अगर वो बॉक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो पानी है उसको निकालना पड़ेगा. सो दे हैव स्टार्टेड टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल. नाउ सी द फॉलोइंग नाइट द रोवर्स वेंट टू तेनालीज हाउस. और अगली रात को जिस रात को उन्होंने प्लान किया था वो तेनाली के घर पे जाते हैं. आई नो वे तेनाली हैज हिडन हिज रिसेस, दे आर इन द बॉक्स दैट तेनाली एंड हिज वाइफ हैव ड्रॉप्ड इन द वेल. तो वो जो जासूस होता है उनको बताते हैं कि मुझे पता है वो पैसे कहाँ पे, उनका सारे धन दौलत कहाँ है. तेनाली और उनकी वाइफ ने अपने कुएं में उसको एक बॉक्स में डाल करके फेंक दिया है. इट्स अ हैवी बॉक्स, ये बहुत भारी बॉक्स है. इट मस्ट बी एट द बॉटम ऑफ द वेल. और ये मेरे को लगता है कि कहाँ मिलेगा हमें, सबसे लास्ट, सबसे बॉटम में मिलेगा. वी विल फर्स्ट हैव टू ड्रॉ आउट
ऑल द वाटर फ्रॉम द वेल। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुएं में जो पानी है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। दे स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। और ड्रॉइंग का मतलब होता है खींचना। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, खींचना। हम ड्रॉइंग करते हैं तो बिफोर ड्रॉइंग वी मेक लाइंस, आउटलाइंस करते हैं, लाइनें खींचकर हम ड्रॉ करते हैं ना, सिर्फ ड्रॉ को। तो यहाँ ड्रॉइंग का मीन्स क्या होगा, खींचना। वो क्या करते हैं, पानी को बाहर खींचना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल एंड पोरिंग इट आउट। पोरिंग का आउट का मतलब होता है डालना। यानी वो कुएं में से पानी निकाल निकाल कर डालने लग जाते हैं। कहाँ, कुएं के पास नहीं है, कुएं से पानी निकाल निकाल के उसको खाली कर रहे हैं। देन मीनवाइल तेनाली वाज बिजी मेकिंग अ पॉट फॉर द वाटर टू फ्लो टुवर्ड्स द प्लांट्स। पॉट का मतलब होता है रास्ता। जैसे एक साइड में जो रोबर्स हैं वो कुएं से पानी निकाल निकाल के डाल रहे हैं, और तेनाली जो है दूसरी साइड में, तेनाली क्या कर रहा है, वो पानी जहाँ था उसके उसके लिए एक रास्ता बना देता है, ताकि उस रास्ते से वो पानी कहाँ चला जाए, प्लांट्स के पास चला जाए, गार्डन में चला जाए। सून ऑल द बेड्स ऑफ द प्लांट्स हैड इनफ वाटर। और थोड़ी देर बाद में जो फ्लावर्स हैं उन सब के पास में इनफ सफिशियंट वाटर पहुंच जाता है। यानी प्लांट्स और फ्लावर्स को जितना पानी चाहिए था उतना पानी उनको मिल चुका होता है, क्योंकि रोबर्स हैं वो कुएं को खाली करने में लगे हुए थे और कुएं में बहुत पानी होता है तो वो निकालने जा रहे थे। तो रोबर्स रियलाइज दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड। फाइनली उनको ये रियलाइज हुआ कि क्या हो गया है, दे हैड बीन ट्रिक्ड। ट्रिक्ड का मतलब होता है उन्हें क्या मिला है, धोखा। क्या मिला है, ट्रिक मतलब धोखा। फाइनली दे रियलाइज, तो उन्हें ये रियलाइज होता है, उन्हें ये फील होता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। दे ट्राई टू रन अवे, और वो भागने की कोशिश कर रहे थे, बट द कोतवाल एंड हिज गार्ड्स नैप्ड देम। नैप का मतलब होता है पकड़ना, दबोचना। द नेक्स्ट डे एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट क्लेवर तेनाली। तो क्या होता है कि वो पानी निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, फाइनली उन्हें लगता है कि सुबह होने को आ गए, पानी तो खत्म ही नहीं हो रहा। फिर उनको ये फील, ये रियलाइज होता है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है हमें पकड़ने के लिए। वेदर यही समझ में आते ही वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो कोतवाल होते हैं और उसके कुछ गार्ड्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, पहले से ही रेडी होते हैं उनको पकड़ने के लिए। सो दे नैप देम, उनको पकड़ लेते हैं। और अगली सुबह हर किसी के मुंह पे एक ही बात थी, एक ही नाम था, तेनालीरामा। बिकॉज ऑफ द तेनाली, क्लेवर तेनाली, द रोबर्स कॉट बाय हिम। सो ही सेव्ड होल द किंगडम फ्रॉम रोबर्स। उसने अपने पूरे किंगडम को रोबर्स से बचा लिया, इसीलिए सब लोग उसकी ही बातें किए जा रहे थे। एंड दिस वॉज द स्टोरी। होप यू लाइक इट, इट वॉज इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड नाउ आई थिंक वी शुड डू द क्वेश्चन आंसर्स, बट आई एम टेलिंग यू इन एक्सरसाइज फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। आई एम टेलिंग यू द कोतवाल ऑफ विजयनगर वॉज वरिड अबाउट, तो जो विजयनगर का कोतवाल था वो वरिड का मतलब होता है
चिंतित था, क्यों? अबाउट हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। द इलनेस ऑफ हिज मिनिस्टर, या फिर उसका जो मिनिस्टर वो बीमार हो गया इसलिए वो टेंशन में था, या फिर स्ट्रीम ऑफ रोबर्स इन विजयनगर, या फिर विजयनगर में जो रोबर्स आ गए थे इसकी चिंता उसे हो रही थी। तो ऑब्वियसली ही वॉज वरीड अबाउट अ स्ट्रीम ऑफ रोबर्स इन विजयनगर। सो यू विल डू टिक इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तेनालीरामन एंड हिज वाइफ फिल द वुडन बॉक्स विद। तेनालीरामन जो है वो उसकी वाइफ ने जो वुडन का बॉक्स था वो फिल किया था, वो किससे किया था? ज्वेल्स, ज्वेलरी से, गहनों से, स्टोन्स पत्थर से, या फिर स्नैक्स खाने पीने की चीज़ों से, बिस्किट कुरकुरे से। यस, दे फिल द बॉक्स विद स्टोन्स। सो यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी, स्टोन्स पत्थर। उन्होंने वो वुडन बॉक्स किससे भरा था? पत्थरों से भरा था। लास्ट, इट वॉज तेनालीरामन्स प्लान दैट द रोबर शुड डैश। ये तेनालीरामन का प्लान था कि रोबर्स हैं वो क्या करेंगे, टेक आउट द बॉक्स, जंप इनटू द वेल टू वाटर हिज प्लांट्स। ये उसका प्लान था कि अगर मैं कुएं में के बॉक्स डालता हूँ तो ऑब्वियसली वो उस बॉक्स को निकालने की कोशिश करेंगे, और बॉक्स को निकालने के लिए उन्हें पहले पानी निकालना होगा, और पानी निकालेंगे तो मैं वो पानी किस में डाल दूंगा, अपने प्लांट्स में डाल दूंगा। तो ये उसका प्री प्लान था, क्या? अपने पौधों को पानी देने का। यानी दो काम हो गए, एक तो रोबर्स पकड़े गए, दूसरा तेनालीराम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसके सारे फ्लावर्स में, प्लांट्स में पानी भी दिया गया। नाउ रीड एन आंसर एंड थिंक एन आंसर। फोर फोर क्वेश्चंस आर देयर। दीज क्वेश्चंस वी विल डू इन टुमोरोज वीडियो। टिल देन रीड दिस चैप्टर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। Have a nice day.